आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। नगर संग्राम में आज बात करेंगे कन्नौज की जनता का दिल और समर्थन जीतने वाली। हमारे साथ प्रत्याशी हैं सुभाना रफी, जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद छिबरामऊ कन्नौज से, जिन्होंने समाज सेवी के रूप में जिनको जाना जाता है। और सुभाना रफी से आज हम बातचीत करेंगे। बता दें कि छिबरामऊ से चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रही हैं सुभाना रफी, और आज हम इनसे बात करेंगे। सुभाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सुभाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुभाना रफी, पूर्व चेयरमैन छिबरामऊ, और अभी वर्तमान में मैं चेयरमैन प्रत्याशी सुभाना रफी। सुभाना जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपने अपनी राजनीतिक करियर के बारे में बता दीजिए, कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा सफर राजनीति का आपका जब भी हो पाएगा जब आपके साथ जनता होगी, और हमारे छिबरामऊ की जनता का मुझे अभी तक भरपूर सहयोग मिला है, और हमें उम्मीद है अपनी जनता से कि आगे भी मिलता रहे। समाजवादी पार्टी से आप टिकट मांग रही थी, इसके बाद टिकट नहीं मिलने पर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोचा है, लेकिन प्रदेश में और भी सारी पार्टियां हैं। नहीं, मैंने अभी तक जब से अपना राजनीतिक सफर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के लिए शुरू करा है, जब से मैं हमेशा निर्दलीय ही कैंडिडेट रही थी, और अभी भी मेरा यही फैसला है कि निर्दलीय के लिए। हाँ, टिकट मैं मांग रही थी, टिकट की दावेदार भी थी, पर पार्टी की मर्जी उन्होंने नहीं दिया, और क्योंकि और पार्टियों से मेरा कोई अभी तक कोई ज्यादा संबंध नहीं था, इसलिए मैं उन पार्टियों से टिकट नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मैं क्या उनसे कहती कि मैं समाजवादी में रही और आप मुझे टिकट दे दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने, हमारी जनता ने, हमारे लोगों ने, हमारे समर्थकों ने हमको लगाए दी कि आप हमेशा निर्दलीय लड़ी है और निर्दलीय ही लड़िए। सुभाना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? हमारा तो आपको अगर हम अपने पारिवारिक हिस्ट्री के बारे में बताएं तो हम तो बाय बर्थ ही पॉलिटिशियन है, क्योंकि हमारे फादर जो कि शाहजहांपुर से 20 साल विधायक रहे हैं, और आप जैसे लोग कहते हैं ना कि मैंने पॉलिटिक्स में पहला कदम कब रखा, तो हम बाय बर्थ पॉलिटिशियन हैं, आप ये समझ लीजिए। बस हमारे फादर, और फिर जब हमारी शादी हो गई तो हमारे अपने ससुर सैयद अनवार जमील साहब, जो कि फरखाबाद जिले से और जो कि अब कन्नौज जिले में आ गया है छिबरामऊ, और वहां से चेयरमैन रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन। सुभाना जी, हर इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपने अपने राजनीतिक सफर में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है अभी तक? अभी तक तो हम चुनौतियों का सामना ही कर रहे हैं, एक बार चेयरमैन होने के बाद हम मुस्तकिल जनता के बीच में हैं और रहेंगे भी आगे, और अभी भी ये तो इलेक्शन लड़ना भी एक चुनौती है, इसका सामना भी हम कर रहे हैं, और फिर अब मैदान में फिर रहे हैं। जनता का सहयोग चाहिए और जनता सहयोग देगी हमें, इस बार पूरी आशा है जनता से। आपके साथ आपके पति जी हैं, उनका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। उनसे जानना चाहेंगे कि जनता का समर्थन कैसे देख रहे हैं आप? धन्यवाद। जनता का समर्थन हम लोगों को हमेशा अच्छा मिला है, और हमारे परिवार की छिबरामऊ में राजनीतिक भागीदारी हमेशा चेयरमैनी लेवल पे होती रही है। 1972 से लेके आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ है कि इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य बराबर चुनाव लड़ता रहा है चेयरमैन। कई बार हम लोग नगर के चेयरमैन रहे हैं, और हमने यहाँ खूब जनता के सहयोग से अच्छा काम किया है, तो इसी तरीके की पृष्ठभूमि है परिवार की। हम लोग यहाँ एक अच्छी गंगा जमुनी से तहजीब कायम करने में कामयाब रहे, बस इतना ही कहना चाहूंगा।
सुबाना जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी रह गई है जिसे आप एक बार फिर से जनता का समर्थन लेना चाहेंगी और उन्हें वो उन कमियों को पूरा करना चाहेंगी? कमी तो देखिए, 5 साल के कार्यकाल में मेरा घोषणा पत्र जो था, मैंने उसमें बहुत भरपूर कोशिश करी कि मैं उसको पूरा करूं, पर एक अभी भी मैं जनता से ये वादा था एक कि हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है गंगेश्वरनाथ, वो मतलब हम लोग की आस्था है छिब्राहों वालों की, आप समझ लीजिए उसमें बहुत आस्था है छिब्राहों वालों की, तो उसका हम सुंदरीकरण करना चाह रहे थे, तो कुछ हालात आखिर में ऐसे हो गए लास्ट में, हमारे अपने घर में एक आध ट्रेजिडीज हो गई जिसमें हम फिर बाहर नहीं निकल पाए और प्रॉब्लम हुई हमें उसको फेस करने में, हम वो नहीं कर पाए, पर वो मेरे दिल में अभी भी है कि जिस दिन मुझे जनता इस लायक कर देगी, एक मौका देगी, मैं सबसे पहले अपना गंगेश्वर नाथ का सुंदरीकरण करूंगी, मेरा वादा है। अभी आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो देख रही हैं आप अभी? अभी तो हमारे यहाँ सबसे मेजर प्रॉब्लम तो है एक तो लेडीज की, क्योंकि जो लेडीज हमारे यहाँ छिब्रामऊ जो हमारा है ये बड़ी तहसील है, इसके आसपास काफी गांव हैं और यहाँ बाजार करने गांवों से लोग आते हैं जिसमें लेडीज बहुत ज्यादा तादाद में होती है, तो वहां पे यहाँ छिब्रामऊ में कोई बाथरूम नहीं है लेडीज के लिए प्रॉपर, जहाँ वो आए दिन भर, क्योंकि उनको बाजार में हो जाता है उधर उधर अपना बेचारियां, जिनका जिनके कोई जानने वाले छिब्रामऊ में नहीं है वो परेशान होती है, कई बार जब हम नगर पालिका में थे तो कई लेडीज नगर पालिका आ जाया करती थी, पर हमारे दिल में है कि जब हम सबसे पहले सीट पे बैठेंगे तो हम अपनी महिलाओं के लिए सबसे पहला कार्य यही होगा। आपने बताया कि महिलाओं के लिए आप इतना कुछ काम करना चाहती हैं, बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? बेटियों के लिए तो सभी कुछ करना चाहेंगे, बेटियों के लिए तो मेरी सबसे पहली सलाह ये है कि वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ें और बहुत बोल्ड होके इस समाज में रहें, अपनी अपनी बात को पूरा करें, जो वो ठान ले चाहे पढ़ाई से लेके पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी कम है अभी भी लेडीज की, कुछ लेडीज इसी में खुश हो जाती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना बना लिया, हस्बैंड के लिए खाना बना लिया और वो फिर वो कहती हैं हमारा क्या है, हमारा तो सुमाना जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। सुमाना जी आप तक हमारी आवाज जा रही है क्या? जी सुमाना जी देखिए आपकी आवाज जी आ रही है, आवाज आपकी बिल्कुल बिल्कुल। सुमाना जी देखिए, युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए तो सरकार से सबका करीब रही है, उसमें हमारे जो भी होगा युवाओं के लिए, सारी स्कीम्स युवाओं के लिए आती हैं, उन स्कीमों को हम लोगों का ये काम है कि हम लोग नेताओं का ही ये काम है कि हम लोग पब्लिक तक पहुंचाएं और उन्हें बच्चों का साथ दें, सहयोग कर रहे हैं हम लोग इसमें। छिब्रामऊ में हम लोग चाहते हैं कि एक स्टेडियम हमारे खेल के लिए बने जो बच्चों के लिए, कितने बच्चे स्पोर्ट्स में पीछे रह जाते हैं, यहाँ कोई ऐसे स्थान नहीं है जिसमें बच्चे अपने आप को प्रूव कर पाए। सुमाना जी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करना चाहेंगी अपने क्षेत्र में? शिक्षा की भी बहुत, उच्च शिक्षा की थोड़ी कमी है हमारे यहाँ, मतलब स्कूल तो सीबीएसई लेवल तक तो बहुत खुल गए हैं 12th तक, उसके बाद हम लोग के यहाँ थोड़ी कमी है, और मेरा मैं अपना खुद एक लड़कियों का स्कूल चलाती हूँ जिसमें 6th to 10th मेरा अपना गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, पर हमारे यहाँ हम खुद चाहते हैं कि बेटियां स्पेशली हमारी बेटियां जरूर आगे आए और पढ़ें। सुमाना जी अभी भी क्या लगता है सड़क बिजली पानी के अलावा कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जी समस्याएं तो देखिए कभी वो नहीं होती, और स्वास्थ्य की भी समस्या, हम लोग के स्वास्थ्य समस्याओं में भी हम लोगों को बहुत जोर देना पड़ेगा क्योंकि शौचालय यहाँ बना तो है पर अब शौचालय में भी कोई बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, हम लोगों को अभी भी मरीज हमारे फौरन फरसाबाद या कानपुर रिफर किए जाते हैं, और जब तक कितने मरीज, कोरोना काल में हम लोग देख चुके हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी, हम चाहते हैं हमारे पूरी फैसिलिटीज दी जाए, जैसा हॉस्पिटल बना है उसके हिसाब से हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। सुमाना जी सब मूलभूत सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती हैं आम जनता को, असहाय लोगों को, गरीबों को जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? इसके लिए हम यही कहेंगे कि हम लोगों को सबको आगे बढ़ना चाहिए,
और ये जनता जितनी सरकार की स्कीम्स होती है ये हम लोगों को जनता तक पहुंचाना चाहिए, जनता के लिए है, सरकार जनता ही के लिए काम करती है और वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोगों की कमी रहती हो नेताओं की। सुभाना जी, आप चुनावी मैदान में हैं तो आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देख रही हैं? आज तो अभी कोई तस्वीर साफ तो हुई नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में क्योंकि आज तो हम लोगों को सिंबल अलॉट हुआ है सबको, तो अभी तो इलेक्शन चलेगा, ये तो इलेक्शन तो ऐसी चीज है इसमें आप लास्ट तक नहीं कह सकते कि कौन आपका प्रतिद्वंदी है और कौन नहीं है, अभी सब मैदान में है, सब अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं और फिलहाल तो बीजेपी है। आप सुभाना जी, एक पर्सनल सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप राजनीति में कितना सपोर्ट परिवार का मिला, अपने आसपास के लोगों का मिला आपको? 100% 100% सपोर्ट मेरे हस्बैंड का, और जब मैं सबसे पहला इलेक्शन लड़ी तो हमारी मदर इन लॉ भी थी और उनसे लोगों ने कहा कि भाभी आप लड़िए क्योंकि भाई उनके हस्बैंड हमेशा चेयरमैन रहे और उनका हमेशा साथ रहता था अपने हस्बैंड के लिए, वो वोट मांगती थी और सब एक्टिव रहती थी, पर उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। इस बार आपका चुनावी मैदान में प्रमुख एजेंडा क्या है? मेन हमारा, देखिए हमने आपको बताया कि एक तो हमारा महिलाओं के लिए काम होगा सबसे ज्यादा, और दूसरी चीज हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ जो मास्टर प्लान गवर्नमेंट की एक स्कीम थी वो होती है, सब कहीं होती है, आप भी जानते हैं, शहर नगर को बेहतर बनाने के लिए होती है, वो उन्होंने करा, स्कीम आई, पर उसमें बाद में लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया जो कि गवर्नमेंट को उनको एक प्रॉपर जगह अलॉट करना चाहिए थी, फेरी वालों को जो बेचारे बिल्कुल बेघर हो गए, ये समझिए उनके पास अब कोई रोजगार नहीं रह गया, बेरोजगार हो गए, उनके पास सारा उनकी दुकानें तोड़ दी गई, तो उसके बाद सरकार ने उनके साथ बस थोड़ी सी नाइंसाफी ये हुई है कि उनको प्रॉपर जगह नहीं अलॉट करी गई, तो मेरा सबसे ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि मैं नगर पालिका की कोई ऐसी जगह देख के उन लोगों को बैठा लूं और उनकी रोजी का जरिया बनूं। हमारा सवाल अगला आशु जी से है, आशु जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्राइम टीवी के माध्यम से अपने हमारे दर्शकों के लिए और अपनी जनता के लिए? जैसे कि ये चुनाव चल रहा है, हम बस ये चाहेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छा प्रत्याशी जनता चुने और ऐसा प्रत्याशी हो जो कम से कम जनता का दर्द समझता हो, उसकी तकलीफें समझता हो और बेहतर से बेहतर काम करे जिससे क्षेत्र की तरक्की हो और यहाँ का विकास हो। विकास खाली मतलब भौतिक रूप से ना हो, खाली इकोनॉमिक रूप से ना हो, बल्कि एक सांप्रदायिक सद्भाव भी यहाँ एस्टैब्लिश हो, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव आए, और जैसे कि पहले ये हमारा शहर गंगा जमुनी तहजीब का ही शहर रहा है जी। तो उस चीज को हम पुनः एस्टैब्लिश कर पाए, फिर से हम उसे बढ़ावा दे पाए, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। साथ में हम ये चाहते हैं कि जो ऊंच नीच की बात है वो भी इस शहर में कभी नहीं देखी है, हम लोग सब लोग मिलके साथ में रहे हैं, गरीब अमीर और हर जाति वर्ग के लोग, तो एक सामाजिक समरसता हम चाहते हैं कि जो आए, तो इस तरीके का क्षेत्र हम डेवलप करना चाहते हैं कि खाली भौतिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें हर तरीके का डेवलपमेंट चाहिए, हर तरीके का विकास चाहिए जिससे कि एक खुशहाल शहर ये दिखाई दे जैसा कि हमेशा से ये रहा। सुभाना जी, आप अपनी प्यारी जनता से क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ अपील करना चाहती हैं और हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम अपनी जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे आपने 5 साल हमें पहले 5 साल के लिए गद्दी पर बिठाया था, आपने अपना इतना बहुत ज्यादा बहुत प्यार दिया था, उसी तरह इस बार भी आप हमें वोट करिए और सारी सारे मजहब और हर चीज से ऊपर उठ के जैसे पहले आप लोग ने अपनी इस बहू को, इस बेटी को आशीर्वाद दिया था, मैं चाहती हूँ इस बार भी आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिले। धन्यवाद। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभाना जी। थैंक यू, थैंक यू। तो नगर संग्राम में आज हमारे साथी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी शुभाना, जो की पालिका परिषद छिबरा मकन्नौ से है और उन्होंने जनता के बीच बहुत सारा काम किया है, कोरोना महामारी में एक चुनौती थी जो उन्होंने जनता के बीच जाकर असहाय और गरीबों की मदद की है। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।